प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी विद मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम मेटाजीनिया और जीनिया टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेरा वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसका नाम है जीनिया और मेटाजीनिया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जिस भाग की, उसका नाम है जीनिया। तो जो जीनिया टर्म है, जीनिया टर्म, इसे फोक नाम के वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने, फोक नाम के वैज्ञानिक ने मक्के के पौधे में इसकी खोज की थी। किसके, मक्के के पौधे में फोक नाम के वैज्ञानिक ने जीनिया की खोज की थी और उन्होंने जीनिया टर्म को भी दिया था। तो उन्होंने जीनिया जो टर्म होता है उसको क्या बताया था कि जो जीनिया टर्म होता है, ये आपने प्लांट में पढ़ लिया होगा कि ये जो जीनिया टर्म होता है वो आपने प्लांट में पढ़ा होगा कि ये जो होता है ये हमारा स्टेमिन भाग पाया जाता है किसी भी फ्लावर का। तो ये जो हमारा एंड्रूसियम भाग पाया जाता है, इसी में ये पोलन ग्रेन भाग दिखाई दे रहा होगा आपको। छोटी छोटी जो ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। इसे बोलते हैं पराग कण। तो जब ये कोई पराग कण होता है, वो पराग कण जब किसी इंडोस्पर्म के ऊपर, पूरे इंडोस्पर्म के ऊपर, जब पराग कण किसी पूरे इंडोस्पर्म के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे जीनिया। क्या बोलेंगे, जीनिया बोलेंगे। तो जब कोई पराग कण, जब कोई पराग कण किसी भी इंडोस्पर्म, किस पे, इंडोस्पर्म के संपूर्ण भाग पर, कहां, संपूर्ण भाग पर अपना प्रभाव दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, तो उसे जीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। तो उसे हम जीनिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये कोई पोलन ग्रेन था और ये आपको दिखाई दे रही होगी संरचना, और ये हमारी इंडोस्पर्म की संरचना बनकर तैयार हो जाती है। ये हमारी इंडोस्पर्म की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो पूरा संपूर्ण इंडोस्पर्म है, यदि ये पोलन ग्रेन आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जब ये पोलन ग्रेन किसी इंडोस्पर्म के ऊपर अपना क्या दिखाता है, इफेक्ट, मतलब प्रभाव दिखाता है, इस पूरे संपूर्ण इंडोस्पर्म के ऊपर पोलन ग्रेन के द्वारा दिखाया गया प्रभाव ही क्या कहलाता है, जीनिया कहलाता है। तो या आपको याद हो गया होगा कि जब कोई पोलन ग्रेन किसी इंडोस्पर्म के ऊपर संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है तो इस कंडीशन को हम जीनिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेटाजीनिया की। किसकी बात करते हैं, मेटाजीनिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मेटाजीनिया होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो मेटाजीनिया टर्म है, कौन सा मेटाजीनिया टर्म है, तो जो मेटाजीनिया टर्म है इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्विंगल। क्या नाम था, स्विंगल। एक स्विंगल नाम के वैज्ञानिक ने इस मेटाजीनिया टर्म को दिया था और उन्होंने यह बताया था कि मान लेते हैं ये आपका क्या था, अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो जब ये पोलन ग्रेन जो होता है वो इंडोस्पर्म के, ये आपका मान लेते हैं कि इंडोस्पर्म है, और इस इंडोस्पर्म के ऊपर ये जो भाग पाया जाता है इसे हम बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। तो जब कोई पोलन ग्रेन, मतलब पराग कण, जब ये पराग कण डायरेक्ट इंडोस्पर्म के सीड कोट के ऊपर या फ्रूट कोट के ऊपर, किस पे, फ्रूट कोट के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है तो इस कंडीशन को हम मेटाजीनिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा टॉपिक कि जीनिया था कि जब कोई पोलन ग्रेन किसी इंडोस्पर्म के ऊपर संपूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इस कंडीशन को जीनिया कहते हैं, और जब कोई पोलन ग्रेन किसी इंडोस्पर्म के ओनली सीड कोट के ऊपर और फ्रूट के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इस कंडीशन को हम मेटाजीनिया कहते हैं। तो ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।